नमस्कार अमरीश, आप देख रहे हैं छोटी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। BHU KG में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हैं, और उनमें एडमिशन लेने के लिए आपको GDPI देना पड़ता है, यानी ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू आपका होगा। ये कोविड के टाइम पे ऑनलाइन भी था, लेकिन अब कोविड के बाद 2 सालों से ये ऑनलाइन की जगह पे ऑफलाइन हो रहा है। यानी अब आपको एक डेट दी जाएगी, जो कि जनरली आपके कमिंग मंथ में आपकी डेट दी भी जाएगी, अभी उसका प्रॉपर एक एडमिट कार्ड जनरेट होता है, ठीक है, और वो भी आपके कट ऑफ की बेसिस पे होता है। जैसे अभी ये जो बच्चे भी प्रोफेशनल कोर्सेज में जा रहे हैं GDPI वाले में, जैसे कि MSW, MBA, MPMIR, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ पे आपका इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन होता है, तो ये कट ऑफ निकलेगा। और कट ऑफ निकलने के बाद एक सीट पे 4 times या नए प्रोस्पेक्टस में 5 times भी हो सकता है, मतलब 4 से 5 एक सीट पे डिपार्टमेंट वाइज। जैसे मान लो किसी डिपार्टमेंट में 30 seat है, तो 30 पे 4 लोग को, यानी 120 अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन वो कॉलिंग्स आता है, और वो एडमिट कार्ड आपके पोर्टल पे जनरेट हो जाएगा। अब वो एडमिट कार्ड जो जनरेट हुआ है वो लेके आपको कहाँ आना पड़ेगा, आपके अपने डिपार्टमेंट में। ऑलरेडी पूरा एक पैनल होता है, यानी जो एक्सपर्ट इंटरव्यूअर होते हैं वो आपके साथ बैठेंगे, और वहां पे कास्ट क्वेश्चनिंग होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, इंटरव्यू होगा, ये तमाम चीजें आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की है वो सब आपसे पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, और वो मार्किंग होगा। फिर आपका वो वाला मार्क्स और ये वाला मार्क्स मिला के जो सबसे टॉप में आएगा 30 seat तक, उनको वो लोग फाइनल एडमिशन के लिए कॉल लेटर भेज देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि GDPI अब आपके लिए एक अहम मुद्दा है। आप चाहते हो कि सर ये GDPI की तैयारी करें कैसे हम लोग, तो GDPI के लिए हम लोग ने बहुत पहले एक वीडियो मेंशन किया था कि इसके लिए हम आपको एक ओरिएंटेशन क्लास और साथ ही में पूरा एक 10 days या 5 days का जो भी प्रोग्राम होगा वो जरूर प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें BHU के उन प्रोफेसर को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे जो GDPI में ऑलरेडी रहे हों, किसी न किसी कोर्स में कभी न कभी उन्होंने GDPI उस पैनल में काम किया हो, या पैनल में इंटरव्यूअर के तौर पर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हो, तो उनको भी मैं एज अ गेस्ट अपने इस प्रोग्राम में, इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में लाने की कोशिश करूंगा, बात भी कर रहा हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग की जो ये चिंता है वो अब कहीं ना कहीं दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि GDPI के लिए बेसिकली कोई चैनल आपके लिए काम नहीं करेगा, नहीं कर रहा भी होगा जबकि करना चाहिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक GDPI के लिए ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, वहां पे आप लोग ज्वाइन हो जाओ, जिससे कि कमिंग 3-4 days में प्रॉपर जो भी इसका एक बैनर पोस्टर होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग उसके थ्रू देखो, होता क्या है ना कि भीड़ में हर कोई कूद पड़ेगा, तो मैं चाहूंगा कि मुझे फिल्ट्रेशन के थ्रू बच्चे वही मिले जिनको सच में नीड है कि GDPI की प्रिपरेशन या GDPI में हमें कैसे अपना परफॉर्मेंस देना है। तो फिल्ट्रेशन के लिए मैं मे बी वहां पे कुछ एक बैरिकेडिंग लगाऊं कि हाँ भाई, मुझे वही बच्चा मेरे इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आए जो बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं एक्साइटेड हो, कहीं ना कहीं वो बहुत ओरिएंटेड हो कि नहीं, हमें GDPI की चीजों को समझना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसका मॉक इंटरव्यू देना है, तो हमें वही बच्चा चाहिए जो कि वाकई एडमिशन लेना चाहता है कोई भी, क्योंकि आगे डिस्टर्ब करेगा फिर वो। बेसिकली ऑनलाइन हम लोग अभी इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं नहीं चाहूंगा किसी प्रकार का कोई ग्लिचेज हो, तो मुझे भी उसको इसके लिए सोचना है, उसकी प्लानिंग करनी है कि उसको पाठशाला के ऐप पे कराया जाए या हम लोग उसको गूगल मीट या जूम पे करा लिया जाए, तो उसके प्लेटफॉर्म के लिए भी मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो आप मुझे प्रॉपर कोऑपरेट जरूर करोगे, ठीक है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और जो लोग भी अभी फॉर्म नहीं डाले हैं प्लीज आप ध्यान देना, आपके पास लास्ट 2 days बचा हुआ है, डेट वैसे 1-2 दिन के लिए बढ़ाएंगे, बाद में ये लोग ऑप्शन देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप सभी लोग अगर कोर्स ऐड बाद में करना चाहोगे कोई कॉमन पेपर के थ्रू GDPI या ऐसे किसी कोर्सेज में, तो आप कर पाओगे, ठीक है। तो टेंशन मत लेना कि उसकी तैयारी नहीं हो पाएगी, जो भी 150-160 के आसपास है, यानी कॉमन पेपर में अगर आपका 150 के प्लस है, जनरल EWS OBC कैटेगरी, ठीक है, और STSC 140 के आसपास, हर कोर्स का अप डाउन है लेकिन एक जनरल बता रहा हूं कि वो कहीं ना कहीं किसी कोर्स में जरूर कर सकता है। एग्जांपल भी बता देता हूं, जैसे कि MPMIR है, IRDM है, MPMIR नहीं, IRDM है, MSW है, इनमें ना एंथ्रोपोलॉजी है, खैर एंथ्रोपोलॉजी का इंटरव्यू नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इनकी फीस बहुत हाई है, फीस हाई होने की वजह से इनके कट ऑफ कॉमन पेपर के थ्रू ही इनका एडमिशन है, इनका कट ऑफ डाउन चला जाता है, तो आप लोग को फायदा रहेगा। आप लोग ऐसे कोर्सेज में जाएंगे जिसका ये एक्साइटमेंट है ना कि अरे यार मुझे BHU में पढ़ना ही है, किसी भी कीमत पे आके लाइब्रेरी की फैसिलिटीज लेनी है, या मुझे हॉस्टल मिल जाए तो मैं यहीं पर रहकर अपनी आगे की तैयारी कर लूंगा, तो ऐसे बच्चे जो हैं वो ऐसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, यही कि फी बहुत हाई चला जाएगा, ठीक है। तो अपना देख लेना,
तो बहुत समझदारी का भी डिसीजन नहीं है, लेकिन जैसा भी हो अपना देख लेना, ठीक है। तो मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं। जो बच्चे बहुत ही प्योर हैं, प्योर माइंडेड है, कॉन्शियस माइंड है, जीडीपीआई के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रिपरेशन मतलब ये मत सोचना बड़ा पैसा लगने वाला है, ऐसा मत सोचना कि बाद में मैं इस तरह ऑफर लेके कोर्स लेके आ जाऊंगा कि लो 500 में कोर्स, ऐसा नहीं है। मैं बोला फिल्ट्रेशन के लिए कुछ मनी कर रख सकता हूँ, मुश्किल से 50 रुपए समथिंग। कारण ये है कि मैं चाहूंगा कोई बच्चा ज्वाइन करे जो सच में उसके लिए एलिजिबल है और सच में वो चाहता है, मतलब फिल्ट्रेशन इसलिए मैं बोला नहीं कोई आगे डिस्टर्ब करेगा। बाकी ये प्रिपरेशन का मतलब बाद में सोच लेना कि मेरे को बोलो कि सर ये तो मतलब एक तरह से कोर्स लिया है, कोर्स नहीं है, आपके फायदे के लिए है, ठीक है। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आगे का जो भी होगा, कोई मैं बहुत प्योर नहीं हूं कि मैं फील लूंगा ही, मैं प्लेटफॉर्म बना रहा हूं, अगर मेरे को कोई उसका खास कास्टिंग नहीं लगेगी तो मैं फ्री नहीं दूंगा, ठीक है। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव, जल्दी ज्वाइन हो जाओ, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ठीक है।